नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहार न्यूज में। चलो जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। बीएससीबी परीक्षा में रसायन शास्त्र के सिलेबस में नहीं होगी कोई कटौती। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा साल 2021 में रसायन शास्त्र के सिलेबस में कोई कटौती नहीं की जाएगी, बल्कि छात्रों को उत्तर देने में सुविधा हो इसका ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए विकल्पों की संख्या बढ़ा दी गई है। एएन कॉलेज के रसायन शास्त्र के शिक्षक प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह की माने तो बिहार बोर्ड ने रसायन शास्त्र में वास्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में विकल्प की संख्या को बढ़ा दिया है। प्रोफेसर सिंह की माने तो हर सेक्शन में लगभग अब दोगुने प्रश्न पूछे जाएंगे। पछुआ हवा ने बिहार में बढ़ाई ठंड। पछुआ हवा ने बिहार में ठंड का असर बढ़ा दिया है। सुबह और शाम में पछुआ हवा की गति 7 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से देखने को मिली। इसके साथ ही ठंड बढ़ने से लोगों की परेशानी भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। न्यूनतम तापमान 12 और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हालांकि ठंड बढ़ने से धान ओसनी करने के काम में तेजी आई है। कोहरे का असर सड़क यातायात पर भी देखा जा रहा है। धुंध के कारण रात और भोर में दूर से वाहनों की लाइट नहीं देखने को मिल रही है। इसके साथ ही ठंड बढ़ने से आलू और सरसों की खेती के प्रभावित होने की संभावना है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ठंड के कारण गेहूं की फसल को फायदा जरूर होगा, लेकिन किसानों को अभी काफी एहतियात बरतने की जरूरत है। लोजपा से निष्कासित होने के बाद केशव सिंह ने दी चिराग को बधाई। पार्टी विरोधी बयानबाजी करने के कारण बीते दिन चिराग पासवान का इस्तीफा मांगने वाले केशव सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, जिसके बाद केशव सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए चिराग पासवान को बधाई दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि चिराग ऐसे ही समर्पित कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकालकर रामविलास पासवान के सपनों को चकनाचूर करे और राजद को मजबूती दे। फिर दावा किया है कि खरमास बाद पार्टी के 4 सांसद और बड़ी संख्या में अन्य नेता मिलकर लोजपा की स्थापना करेंगे। वहीं दूसरी तरफ लोजपा के अंदर मतभेद को भी पार्टी ने सिरे से कर दिया है, जिसके तहत लोजपा के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान के अनुज और सांसद पशुपति कुमार पारस ने दावा किया है कि पार्टी के सभी सांसद राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व में एकजुट है, पार्टी में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। कृषि कानून के विरोध में गांधी मैदान में जुटे राजद कार्यकर्ता अपने वादे अनुसार कृषि कानून के विरोध में साथ ही किसानों के विरोध का समर्थन करने राजद भी अब मैदान में उतर गई है, जिसके तहत पटना के गांधी मैदान के गेट पर सुबह से ही राजद कार्यकर्ता ने अपना विरोध शुरू कर दिया है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सुबह से ही पुलिस बलों की तैनाती भी गांधी मैदान के आसपास कर दी गई थी। वहीं विरोध से पहले तेजस्वी यादव ने आरोप जड़ा कि केंद्र के किसान और मजदूर विरोधी फैसलों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सहभागी हैं। केंद्र सरकार आज जो बातचीत कर रही है वो कानून बनाने से पहले होनी चाहिए थी। उन्होंने राज्य के सभी किसानों और संगठनों से बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरने की भी अपील की है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे रवीश कुमार की। रवीश कुमार का जन्म आज ही के दिन साल 1974 को बिहार के मोतिहारी जिले में हुआ था। रवीश कुमार एक भारतीय पत्रकार, लेखक और मीडिया व्यक्तित्व है। वो एनडीटीवी इंडिया के मैनेजिंग एडिटर है। आपको बता दें एनडीटीवी न्यूज नेटवर्क हिंदी न्यूज चैनल है और चैनल के प्रमुख कार्य दिवस शो प्राइम टाइम, हम लोग और रवीश रिपोर्ट सहित का एक कार्यक्रम की मेजबानी रवीश कुमार करते हैं। उन्हें रामनाथ गोयन का उत्कृष्टता सहित 2 बार सम्मानित भी किया जा चुका है। साल के सर्वश्रेष्ठ पत्रकार के लिए पत्रकारिता पुरस्कार और 2019 में रेमन मैगसेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले 5वें भारतीय पत्रकार बन गए हैं। वो द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन पुस्तक के लेखक भी है। सुशील मोदी ने राजद को गांधी की याद आने की बात पर साधा निशाना। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राजद पर एक बार फिर से जमकर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि राजद के 15 साल के राज में दलितों की जान ली गई है। फिरौती के लिए 17,000 लोगों को उठाया गया और पंचायत से संसद तक के लिए कुल 9 चुनाव में 641 लोगों की जान ली गई। उस समय उन्हें गांधी जी के सिद्धांत की याद नहीं आई, अब वे गांधी को याद कर रहे हैं। लालू राबड़ी राज में गांधी ही नहीं, जेपी लोहिया समेत कर्पूरी ठाकुर और अनेक महापुरुषों के आदर्शों को रौंदा किया था और साथ ही उनको रौंद कर ही संपत्ति बनाई गई थी। वंशवादी राजनीति को मजबूत किया गया। जिनके मन में गांधी जी की प्रतिमा के सामने धरना देने का विचार आ रहा है, वे सत्ता में रहते हुए गांधी को बहुत पहले ही भूल चुके हैं। जदयू ने हारी हुई सीटों पर मंथन करने का जारी किया आदेश। विधानसभा चुनाव भले ही खत्म हो चुके हैं, मगर डैमेज कंट्रोल की प्रक्रिया अभी भी जारी है, जिसके तहत जदयू ने अब अपनी हारी हुई सीटों की समीक्षा करना शुरू कर दिया है। जिसके तहत जदयू की तरफ से हारी हुई सीटों की समीक्षा करने का आदेश जारी किया गया है। चुनाव में जदयू ने एनडीए गठबंधन के तहत से अधिक 115 प्रत्याशी उतारे थे, पर उसे 43 सीटों पर जीत मिली। 72 उम्मीदवार चुनाव हार गए। चुनाव परिणाम पर मंथन का दौर जारी है। कई पराजित प्रत्याशियों से इस बाबत जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बातचीत कर चुके हैं। जदयू के शीर्ष नेताओं की कोर कमेटी ने भी चर्चा की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के बीच भी बातचीत हुई है, पर अब दल ने बारीकी से हार के कारणों को जानने का फैसला किया है। पुलिस की पिटाई से जान गंवाने वाले इंजीनियर के परिवार को 7 लाख रुपए का मुआवजा देने का जारी हुआ आदेश। बिहार
के भागलपुर जिले के बिहपुर पुलिस की सख्ती से सॉफ्टवेयर इंजीनियर आशुतोष कुमार पाठक की जान चली गई थी। वहीं अब इस मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने 7 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश जारी किया है। सरकार को यह छूट दी गई है कि वो चाहे तो जिम्मेदार पुलिसकर्मियों से इस पैसे की वसूली कर सकती है। हालांकि यह राशि 10 फरवरी 2021 से पहले इंजीनियर की पत्नी को देना होगा। आपको बता दें, नवगछिया पुलिस जिला के बिहपुर थाना पुलिस द्वारा पुणे में कार्यरत सॉफ्टवेयर इंजीनियर आशुतोष कुमार पाठक की 24 अक्टूबर 2020 को बेरहमी से पिटाई की गई थी, जिसके बाद इलाज के दौरान एक निजी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। राजद ने आरएसएस प्रमुख से कृषि कानून पर पूछे सवाल। देश के कई हिस्सों के किसान लगातार अपना विरोध कर रहे हैं। वहीं अब किसानों के इस विरोध को कई राजनीतिक दलों का साथ भी मिलने लगा है। इसी बीच राजद ने बिहार पहुंचे आरएसएस प्रमुख से भी सवाल पूछे हैं, जिसके तहत राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि किसान आंदोलन आज मोदी सरकार के समक्ष गंभीर चुनौती बना हुआ है। संयोग है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत बिहार में हैं, लेकिन इस संदर्भ में अभी तक उनकी राय देश के सामने नहीं आई है। उनकी राय देश जानना चाहता है। राय जानने की उत्सुकता इसलिए भी है कि एक ओर भाजपा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नेता आरोप लगा रहे हैं कि इस आंदोलन को टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग चला रहे हैं। चंचल कुमार ने नए मंत्रियों की साज सज्जा पर लिमिट में खर्च करने की कही बात। बिहार की नई सरकार के मंत्रियों को राजसी सुख से वंचित रखा जा सकता है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव चंचल कुमार ने मंत्रियों के बंगलों और मिलने वाली सुविधाओं को लेकर अपना फैसला सुना दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि नए मंत्रियों के बंगले की साज सज्जा और रखरखाव पर ज्यादा खर्च नहीं किया जाएगा। भवन निर्माण विभाग के इंजीनियरों को आदेश दिया गया है कि सरकारी बंगले की साज सज्जा पर निर्धारित बजट के अनुरूप ही खर्च किया जाएगा। ज्यादा खर्च करने वाले इंजीनियर पर सख्ती दिखाई जाएगी। आरएसएस की क्षेत्रीय कार्यकारी बैठक की आज से हुई शुरुआत। आरएसएस की क्षेत्रीय कार्यकारी बैठक की शुरुआत आज से हो चुकी है, जिसके बाद बीते दिन ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत राजधानी पटना पहुंच चुके हैं। वहीं आज से बैठक का दौर शुरू हो चुका है। आपको बता दें, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अपने 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे हैं। आरएसएस की क्षेत्रीय कार्यकारी मंडल की 2 दिनों की बैठक आज पटना सिटी से शुरू हुई है। यह बैठक पहले राष्ट्रीय स्तर पर होती थी, हालांकि इस बार यह बैठक प्रयागराज में होनी थी, पर कोरोना काल में भीड़ अधिक न हो इसे देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर बैठक के बजाय देश के 11 क्षेत्रीय केंद्रों में यह बैठक करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में आगामी वर्ष की कार्य योजना की रूपरेखा तय होगी। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा 14 दिसंबर को। इस साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर को लगने वाला है, जो इसके बाद यह ग्रहण 14 दिसंबर की शाम 7:03 पर शुरू होगा, जो कि 15 दिसंबर मध्यरात्रि 12:23 पर समाप्त होगा। जानकारों की माने तो यह सूर्य ग्रहण पूरे 5 घंटे का लगने वाला है। हालांकि भारत में इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिलने वाला है। यह खंडग्रास प्रकार का ग्रहण होगा और यह भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसकी धार्मिक एवं ज्योतिष मान्यता नहीं है। इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भारत में नहीं देखा जा सकेगा। इसका समय विदेशों के लिए है। इस ग्रहण को दक्षिण अफ्रीका, प्रशांत महासागर सहित दक्षिण अमेरिका और मैक्सिको के कुछ इलाकों में देखा जा सकेगा। डॉक्टर अशोक चौधरी ने मार्च तक पटना को भिक्षावृत्ति मुक्त करने का किया दावा। समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने पटना को मार्च तक भिक्षावृत्ति मुक्त करने का दावा किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि राजधानी पटना को अगले साल मार्च तक भिक्षावृत्ति से मुक्त करा लिया जाएगा। इस दिशा में 6 भिक्षुकों को सहायता राशि दी जाएगी। अगले सप्ताह अन्य 12 को राशि दी जाएगी। कुल 100 लाभुकों को राशि देने का लक्ष्य अभी निर्धारित किया गया है। 6 लाभुकों में से 2 को 10-10 हजार और शेष अन्य 4 लाभुकों को 7,500 और 7,500 रुपए की राशि चेक के द्वारा दी जाएगी। आपको बता दें कि भिक्षावृत्ति निवारण के लिए देश के 10 शहरों में पटना भी शामिल है। गौतम गंभीर ने रविंद्र जडेजा को बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट करने की कही बात। बीते 2 मैच से रविंद्र जडेजा अपने फॉर्म में नजर आ रहे हैं। वहीं अब उनको लेकर भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी गौतम गंभीर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि मैं उनको नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हुए देखना चाहता हूं, क्योंकि तब आप केएल राहुल को नंबर 4 पर खिला सकते हैं, विराट कोहली नंबर 3 पर और जडेजा नंबर 5 पर, पांड्या 6 नंबर पर, आपके पास नंबर 7 पर एक ऑलराउंडर और होगा। जडेजा की फॉर्म का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप किसी को नंबर 7 पर बल्लेबाजी करवाते हैं तो वो नंबर 7 की तरह ही खेलेगा। अगर आप उसको नंबर 4 या 5 पर बल्लेबाजी करवाते हैं तो वो उस तरह से बल्लेबाजी करता है और इस तरह हमेशा सबके साथ होता है। कंगना पर भड़के मीका सिंह। कंगना को लेकर मीका सिंह ने अपना बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने कंगना के उस ट्वीट को लेकर अपना बयान दिया है, जिसमें कंगना ने कहा कि फिल्म माफिया मेरे खिलाफ केस दर्ज कर चुके हैं, लगता है मुझे महान बनाकर ही दम लेंगे, शुक्रिया। जिस पर मीका सिंह ने कहा कि बेटा आपका टारगेट क्या है ये तो समझ आए, आप एक टैलेंटेड खूबसूरत लड़की हो, आप एक्टिंग करो ना यार, अचानक इतनी देशभक्त, वो भी ट्विटर और न्यूज पर, हम हर रोज 5 लाख लोग को खाना खिला रहे हैं, शेरनी बनना और वो भी सिर्फ न्यूज और ट्विटर पर, कोई बड़ी बात नहीं है। खैर मैं आपका
बड़ा फैन हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की, और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार कंगना की तरफ से किसान को लेकर दिए जा रहे बयान पर आपकी क्या राय है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।